वेलकम टू पेबल्स, हमारी इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो इसका जाहिर सा मीनिंग है कि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, आप ज्योतिष की विद्या में विश्वास रखते हैं, आप ये जानते हैं कि ये एक एक्यूरेट साइंस है जो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने हमें दी है और इसका सही उपयोग करके हम अपनी लाइफ को काफ़ी ईजी कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हमारी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे सक्सेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई और गोल हो, कहीं पर भी जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है उसको हम थोड़े से उपाय करके ओवरकम कर सकते हैं। इतना डीप साइंस है जो छोटे मोटे उपाय करके हमें हमारी प्रॉब्लम से छुटकारा दे देता है। इस सीरीज में हम एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी तक, पामिस्ट्री से सक्सेस मंत्रा तक, लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स तक हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी करेंगे और आपको अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करने पर मजबूर भी कर देंगे। तो जो रेमेडीज़ हम डिस्कस करेंगे, आप उसको एक बार करके तो देखिए, आपको उसका इफेक्ट अपने ऊपर ज़रूर नज़र आएगा। आप करके देखिए और फिर हमें बताइए कि आपको कैसा लगता है। तो ये सब बातें तो आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, और वो बेसिक ये है ज़ोडिएक साइंस। 12 ज़ोडिएक साइंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। कैसे होते हैं इन 12 ज़ोडिएक साइंस के अलग अलग लोग, आप कौन सी कैटेगरी में फिट आते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो दो तरीके से ज़ोडिएक साइंस को देखा जाता है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ से ज़ोडिएक साइंस को देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपके नाम से जो चंद्र राशि होती है उससे आपका ज़ोडिएक साइन देखेंगे। तो अगर सपोज़ आपका नाम सीमा है तो आपकी राशि होगी कुंभ, सौ से आप देखेंगे कि आपकी राशि कुंभ होगी। तो एक बहुत कॉमन डाउट रहता है लोगों का कि अगर हमारे दो नाम हैं तो हम अपने कौन से नाम को कंसिडर करें, जैसे कि निक नेम आपका है कुछ और आपका स्कूल में नाम है कुछ, तो आप कौन से नाम को कंसिडर करें। तो उसमें मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपका जो भी सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है, अगर आपको घर के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं तो आप घर का नाम ही कंसिडर करिए। अगर आपको स्कूल के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको स्कूल के नाम से ही ज़्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी के लोग, फ्रेंड्स, कुछ 25-30 लोग आपको जानते होंगे, लेकिन स्कूल में आपको 100 से भी ज़्यादा लोग जानते हैं आपके नाम से। और आगे कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाएंगे आप या किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको ज़्यादातर लोग अपने रियल नाम से ही जानेंगे। तो आप अपना रियल नेम ही कंसिडर कीजिए, और जितना हो सके पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि आप अपने बच्चे का एक ही नाम रखिए, आप दो नाम नहीं रखिए, क्योंकि उन जो हर एक नाम होता है उसकी कुछ वाइब्रेशंस होती है। तो जब आप किसी को दो दो नाम से पुकारते हैं, जब वो बच्चा अपने नाम को दो अलग अलग नाम से सुनता है, तो जो वाइब्रेशंस होती है वो उसके माइंड में बहुत क्लटर कर देती है, वो कन्फ्यूज्ड वाइब्रेशंस बन जाती हैं। तो ट्राई करिए कि आप अपने बच्चों का एक ही नाम रखें। तो ये तो क्लियर हो गया कि कौन से नाम को देखना है, जो भी ज़्यादा प्रचलित नाम है उसी को देख लीजिए। दूसरा एक कॉमन डाउट रहता है लोगों का कि आपके बर्थ के टाइम पर आपका नाम कुछ और रखा गया या आपके अल्फ़ाबेट्स कुछ और आए, जैसे कि त, स, र, लेकिन आपका नाम रख दिया गया फ से। तो अब ऐसे केस में आप अपना ज़ोडिएक साइन कौन सा कंसिडर करेंगे? आप अपना ज़ोडिएक साइन कंसिडर करेंगे जो कि आपका प्रेजेंट नेम है, फ वाला जो आपका नाम है आप उसी को ही अपना ज़ोडिएक साइन कंसिडर करिए, क्योंकि वो आपका प्रचलित नाम है। लोग जो हैं आपकी जो नाम की वाइब्रेशंस हैं वो प्रेजेंट नेम ही यूनिवर्स में जा रही है, लोग आपको उसी नाम से जानते हैं, तो आप अपना ज़ोडिएक साइन भी उसी नाम से ही देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर। अब बात करते हैं सबसे पहले राशि की। सबसे पहले राशि है मेष राशि यानी कि एरीज।
एरीज के लोग कैसे होते हैं, इनको सक्सेस कैसे मिलती है, कौन से टाइम स्पैन में मिलती है, कौन से साल इनके लिए अच्छे होते हैं, क्या होती हैं इनकी वीकनेसेस, क्या होते हैं इनके स्ट्रेंथ्स, ये सारी बातें करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ एरीज राशि के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की, जोडियाक्स की सबसे पहली राशि की, मेष राशि। कैसे होते हैं ऐसे लोग, कैसे मिलती है इनको सक्सेस, कौन से टाइम स्पैन में मिलती है, इनकी हेल्थ कैसे रहती है, इनके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से हैं, इनकी वीक पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से हैं, ये सारी बातें करेंगे एरीज के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एरीज आपकी राशि है भी या नहीं। तो स्क्रीन पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए आ रहे हैं, इनको देख कर आप पहचान सकते हैं कि आपकी एरीज राशि है या नहीं। तो अब आपने देख लिया कि आपकी एरीज राशि है कि नहीं। अगर आप एरीज हैं तो मतलब कि आपकी हाइट जो है वो मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है एरीज राशि वालों की हाइट, मेष राशि वालों की हाइट बहुत कम भी नहीं होती है, मीडियम ठीक हाइट होती है। बहुत अच्छी बात इनमें एक ये है कि बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं ऐसे लोग, किसी से डरते नहीं हैं, बहुत निडर होते हैं, हर काम को बहुत ही बेबाकी से करते हैं। अगर किसी ने इनसे पंगा ले लिया तो मतलब ये उसको सबक सिखा के ही छोड़ेंगे, सिर्फ अपने लिए ही नहीं ये दूसरों के साथ भी बुरा होते हुए कभी नहीं देख सकते, बहुत दयालु भी होते हैं। तो इनका ये जो दयालु और ब्रेव होना जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये इनको बहुत अच्छा सोशल लीडर भी बना देता है। लेकिन इसी वजह से ये अननेसेसरी पंगे भी ले लेते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो भी कर रहे हैं इनके लिए एडवाइस ये है कि लिमिट पे करें, थोड़ा विवेक इनको अपना यूज़ करना चाहिए, धैर्य यूज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी फाइट इनकी मतलब की है, कौन सी फाइट इनको लेनी चाहिए, हर फाइट में इनको घुसने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और गुस्सा ऐसा कि एकदम से आता है और एकदम से शांत भी हो जाता है, लेकिन शब्द तो तीर की तरह होते हैं जो एक बार निकल गए मुँह से वापस नहीं आ सकते। इनकी इसी नेचर की वजह से इनके बहुत सारे दोस्त, इनके बहुत सारे फैमिली रिलेटिव्स इनसे दूर हो जाते हैं, इनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर आपकी एरीज राशि है तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपनी जो स्पीच है उसको बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम से हमेशा स्वीट रखिए। चाहे आपको लग रहा हो कि आप फेक कर रहे हो, लेकिन उसको करो, वो आप में नेचुरली आ जाएगा, स्वीट जो स्पीच होगी वो आप में नेचुरली आ जाएगी, क्योंकि आप मन से बुरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं गुस्से में जिससे सामने वाला हर्ट हो रहा है तो वो आपसे नाराज़ होगा ही। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत ही हारमोनियस रहें, कंपैशनेट जो आपका अंदर नेचर है वो बाहर भी दिखे, तो अपने वर्ड्स को बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से यूज़ करके बोलिए। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन कॉन्शियसली करेंगे तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखा जाता है कि मेष राशि के लोग डू और डाई वाले नेचर के होते हैं, जो भी काम इनको पकड़ा दिया जाए या तो वो उसको करके रहते हैं या फिर लेते ही नहीं है वो काम, बहुत अपनी चॉइसेस में सिलेक्टिव होते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन सा काम इनके लिए बना है और कौन सा नहीं बना है। तो अगर आप किसी मेष राशि वाले के पास अपना कोई काम लेके जा रहे हैं और वो आपको मना कर देता है उस काम करने से, तो आप समझ जाइए कि वो सिर्फ इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकता, वो उस काम करने के काबिल नहीं है और वो ये बात जानता है, और वो आपके काम के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। तो वो आपको ना इसीलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वो प्राउडी है या वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहता। मेष राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़े से प्राउडी भी होते हैं, ज़्यादा नहीं पर थोड़े से प्राउड ही, इनका ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि ये होते ही हैं, और ये प्राउड इनमें किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को लेकर हो सकता है, अपनी फैमिली स्टेटस को लेकर हो सकता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि अगर इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं तो उस चीज़ का भी उनमें प्राउड होता है। ये है बहुत वियर्ड लेकिन ये सच बात है, एरीज राशि वालों में किसी ना किसी चीज़ को लेकर प्राउड ज़रूर आ जाता है। लेकिन ये प्राउड अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तब आपको थोड़ा इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन लिमिट में है तो ये आपकी जो पर्सनालिटी है इसको इन्हांस ही करता है।
तो थोड़ा सा प्राउड एरीज राशि वालों में अच्छा है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एरीज राशि वाले बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमेशा एनर्जी से भरपूर रहते हैं, हर काम को एकदम फटाफट निपटाने की कोशिश में रहते हैं और उसी के साथ साथ बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड भी होते हैं। इनका जो कहते हैं ना, जिसको आई फॉर डिटेल, इनका आई फॉर डिटेल होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट इनको पकड़ा दिया जाए, वो उसमें एरर्स निकालने में बहुत माहिर होते हैं। मेष राशि वाले लोगों को एक जो खास बात है ध्यान रखने की, वो ये है कि इनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो इमोशनल गुस्से के कारण भी हो जाते हैं, या इनका जनरली चंद्रमा थोड़ा वीक होता है। हाथ पे चंद्रमा कैसे देखा जाता है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे, कैसे जाना जाए कि आपका चंद्रमा वीक है या स्ट्रॉन्ग है ये आपको बताएंगे। लेकिन आपकी एरीज राशि है तो आप ये मान के चलिए कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा चंद्रमा वीक होगा ही, जो आपको इमोशनल डिसबैलेंस दे देगा कभी कभी किसी किसी एस्पेक्ट में लाइफ की। तो आपको अपने, अब क्योंकि आप ये बात जान चुके हैं कि आप अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो सिचुएशंस में, जो भी लाइफ की सिचुएशंस आ रही है, उसमें पॉज लीजिए और उसमें देखिए अपने आप को कि क्या ये रिएक्शन, जो भी सिचुएशन का रिएक्शन है, ये रैशनल रिएक्शन है या नहीं। ऐसे अगर डील करेंगे सिचुएशन से तो आप उनको ओवर इमोशनल तरीके से नहीं करेंगे और एक लॉजिकल इंसान की तरह चीज़ों को डील कर पाएंगे। मेष राशि वाले लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, इन्हें किसी की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। ये खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, इसलिए किसी हायर अथॉरिटी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। तो इन्हें ऐसे ही एंटरप्रेन्योरियल प्रोफेशंस में जाना चाहिए, ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशंस में जाना चाहिए जहाँ पर ये खुद के बॉस बन सकें, क्योंकि ऐसे ही प्रोफेशंस पे ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं अपनी, इनका जितना भी टैलेंट है वो सबसे ज़्यादा सामने आता है जब ये खुद के बॉस बन सकते हैं। एरीज राशि के बारे में एक और बहुत ख़ास बात ये है कि इनको अपनी लाइफ पे उतार चढ़ाव बहुत देखना पड़ता है, इनकी जो स्मूद रोड होती है वो नहीं होती। बहुत रेयर केसेस होंगे जहाँ पे होगी, जहाँ पे प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, नहीं तो जनरली जिनकी राशि मेष होती है उनको उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं अपने जीवन में। वो उतार चढ़ाव किसी भी तरह के हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड है, लेकिन आपको, आपका लक्ष्य फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, आपका लक्ष्य कुछ और है और आपको वो चाहिए ही चाहिए। उस लक्ष्य तक जाने में आपको जो जर्नी है वो आपकी स्मूथ नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक उतार चढ़ाव ही हुआ। तो ये उतार चढ़ाव किसी भी तरह के हो सकते हैं, बम्पी रोड किसी भी तरह की हो सकती है। एरीज राशि वालों को कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में आ ही जाता है किसी ना किसी टाइम पे, जिसमें उनको इमोशनल टर्मोइल होने लगता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो बम्पी रोड रहता ही है। तो क्योंकि अब आप ये पहले से जान चुके हैं तो आप इसमें मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। मेष राशि वाले लोग बहुत ईमानदार होते हैं, तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि मेष राशि का है तो आप उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। साफ दिल के होते हैं, गुस्सा भले ही थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन हेल्प करने में कभी पीछे नहीं रहते। ये उन लोगों में से एक है जो अपने से पहले दूसरों की हेल्प करते हैं, दे हेल्प अदर्स बिफोर दे हेल्प देमसेल्व्स। सो इफ़ यू हैव सच अ फ्रेंड हु फॉल्स इनटू द एरीज कैटेगरी, यू शुड नेवर लूज दैट फ्रेंड। इसके अलावा अब बात करते हैं एरीज राशि वालों की, उनके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें उनको सक्सेस बहुत इजीली और बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मशीनरी से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गैस पेट्रोल से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, अगर आपकी मेष राशि है तो। और कभी भी किसी भी काम में चीटिंग करने का सोचिए भी मत, कभी भी शॉर्टकट अपनाने का सोचिए भी मत, खासकर एरीज राशि वालों के लिए एडवाइज़ है, क्योंकि ये आप पे बहुत भारी पड़ जाता है। तो आप कभी भी शॉर्टकट से कुछ भी करने का मत सोचिए।
इसी के साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा करिए, आराधना करिए। आप देखेंगे कि अगर आपकी एरीज राशि है तो वैसे भी आपको शक्ति की आराधना करने में अंदर से बहुत ज़्यादा मन करता है। मूंगा जो है वो मेष राशि वालों का धातु है, आप किसी भी फॉर्म में उसको धारण कर सकते हैं। आप हाथ में पहन सकते हैं, आप गले में पहन सकते हैं, कैसे भी पहन सकते हैं। और ट्यूसडे जो है वो आपका लकी डे है, जो भी खास काम हो आप ट्यूसडे को करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सब है एरीज राशि वालों के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपने अपने बारे में जाना हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने मन में उतारी हो जो आपको लगी हो कि आपकी वीकनेस है और आपको इम्प्रूव भी करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए। हम ट्राई करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका रिप्लाई दें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।